कटनी जिले के बरही में बैजनाथ धाम मेला प्रांगण में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह बघेल के समर्थन में माहौल बनाने पूर्व सीएम कमलनाथ का उड़न खटोला सुबह 10:15 पर हायर सेकेंडरी मैदान स्थित हेलीपैड में उतरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कटनी के बरही में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा व शिवराज सरकार पर प्रहार करते हुए बोले कि कमलनाथ सबका हिसाब लिया जाएगा। कमलनाथ 2018 की नहीं 2023 के मॉडल है, गुलामी से छुटकारा दिलाना है। कमलनाथ कांग्रेस का नहीं सच्चाई का साथ देने का आह्वान किया। वहीं सैकड़ों लोगों ने कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता भी ली है। विजय राघवगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह बघेल के समर्थक में चुनावी सभा हुई। बोले, 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, 44 साल से चुनाव जीत रहा हूं। हर चुनाव के अपने अपने मायने होते हैं। 17 को जो चुनाव है वह चुनाव मध्य प्रदेश और कटनी के विकास का चुनाव है। मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचार का या तो शिकार हुआ या भ्रष्टाचार गवाह है। यह चुनाव एक पार्टी एक उम्मीदवार का नहीं, यह चुनाव मध्य प्रदेश और कटनी के भविष्य का है। 17 तारीख को कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर देना। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। सबने मुझे कहा बहुत दूर होगा कटनी, मैंने कहा दूर होगा पर मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि मुझे कटनी को गुलामी से मुक्त करना है, इसलिए मैं जाऊंगा। आज हर चुनाव का अपना मायने होता है। मैं 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, 44 साल से चुनाव जीत रहा हूँ। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 17 तारीख को जो चुनाव है, 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश और कटनी के भविष्य का चुनाव है। आप ये क्या करेंगे याद रखिएगा, ना दाएं देखिएगा, ना बाएं देखिएगा, ना ऊपर देखिएगा, नीचे देखिएगा। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर देना। सच्चाई का साथ देंगे तो आप मध्य प्रदेश का भविष्य और कटनी का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप कटनी को गुलामी से बचाएंगे। ये सच्चाई का आप साथ दीजिएगा। बिना दाम के शिवराज जी आप किस काम के? ये सब आपके सामने कई मांगे मुझे दी गई, मुझे कहा गया, कुछ से तो मैं परिचित था। ये जो विजयनाथ धाम है शिव मंदिर में, इसको मैं प्रणाम तो करता हूँ, पर इसे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का भी वादा है। जो सबसे ताज्जुब की बात है, जहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, छिंदवाड़ा में तो कितने हैं मेडिकल कॉलेज, दूसरे जिलों में, कटनी को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आवश्यक मिलेगा। सतना उमरिया के पुल का पुनर्निर्माण, मां नर्मदा का जल विधानसभा में नहर के माध्यम से पहुंचाना, और सबसे बड़ी चीज कि नौजवानों के रोजगार के मौके। मैंने तो कहा था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, 70% जो रोजगार है वो लोकल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। तो मैं देखूंगा कौन कौन सा कारखाना चलाता है अगर 70% नहीं रखा लोकल। ये आज रिंग रोड की बात मैं सब में नहीं जा रहा, जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों मैंने तो कह दिया मैं आपका प्रतिनिधि रहूंगा। बेलसपंत सांगी द्वारा श्रद्धांजलि भूमि भी वापस दी जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। नीरज तो करेगा, पर आप भी मेरा कुर्ता पकड़ के करवा लीजिएगा। तो अंत में जो आप परसों बटन दबाएंगे, याद रखिएगा, जो बटन दबाएंगे वो बटन
एक नंबर।